أَلَمْ يأنن الذين آمَنُوا وتخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون आगे है जी आयत नंबर एट से नाइन अल्लाह ताला अपना नूर पूरा करके रहेगा और ख़ास तौर में इसमें आपको जो पैगाम मिलेगा वो क्या है कि मुंह की फूकों से ये चिराग बुझाया ना जा सकेगा नूर खुदा है कुफर की हरकत पे ख़ंदन हंस रहे का नूर कुफर की सरकत पर कि फूके मार के इस चिराग को बुझा रहा है जबकि फूकों से ये चिराग बुझाया ना जा सकेगा और आयत नाइन में ख़ास तौर पर गलबा ग़लब दीन हक़ में नब्सम की आमद का मकसद बताया जा रहा है यानि मकसद आमद रसूल जश्न मनाना नहीं है बल्कि कुछ और है यदून अली युद्धफ़ी नूर अल्लाह भी अफवाहिम व्ला मतमूरख वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुँह से बुझा दें और अल्लाह अपने नूर को कमाल तक पहुँचाने वाला वो कुफ़ार इसको बुरा माने वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चा दीन देकर भेजा ताकि इसे और तमाम मजाहे पर गालिब कर दे अगरचे मश्रकिन ना खुश हों यह है जी अरसल रसूल हुदा व दी हक क्या पता चला अल्लाह का रसूल और रसूल का हिदायत और दीन हक़ के साथ दुनिया में आना ग़लबा इस्लाम का वाज ऐलान है और मशरक़ों को ख़ालि तोहद नागवार गुजरती है तभी तो वो फिर फूकें मारते हैं आज की फूकें क्या बल्कि आज का मुंह क्या मीडिया। आप है मीडिया अब देखिए फूक मारते हैं ना तो आवाज़ ऊंची जाती है ना 21 बरस तक अल्लाह के नबी ने जजीरा नुमा यूरोप में अपने इस मिशन की तकमील देख ली थी और फिर गस्बे तबुक के जरिए दो साल के अंदर बैरून मुल्क अरब में तोसी हुई और मिशन पूरा हुआ और अलम मिशन की तकमील के लिए एक मज़बूत जमात की ज़रूरत थी इसी जमात को फ्राहम करने के लिए अल्लाह ने सूरत मुबारक में तरगीब और झंझोड़ने वाले और तारीख़ से इबरत हासिल करने वाले अंदाज में बात की कहले ईमान को अगर बाकी दीन इस्लाम को गालिब करने के मुबारक मिशन पे अपने आप को लेकर चलना तो फिर उनको अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा दिलों को खट्टा होने कड़वा होने से बचाना पड़ेगा और नापसंदीदगी के बावजूद मकसद के साथ जुड़े रहना चाहिए क्योंकि आज भी मिशन जिंदा है वो कहते हैं ना कि नबूवत ख़त्म हो गई कार नबूवत अभी भी बाकी है अभी भी पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लगना है अल्लाह हमें इसके लिए जान माल वक्त और अपनी स्किल्स लगाने देमा इकबाल इसी पर कह कर गए कि वक्त फुर्सत है कहाँ काम अभी बाक़ी है नूर तोहहीद का इतमाम अभी बाकी है जिस दिन पूरी दुनिया पे इस्लाम का झंडा लग जाएगा उस दिन हम भी आराम फरमाएंगे और पार्टी करेंगे और फिर मौजें मस्तियाँ करेंगे और सब किताबें बंद करके बैठ जाएंगे इससे पहले तो कोई वक्त नहीं है फ़ारिग होने का